जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लैपटॉप पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्रोग्राम का टाइटल आपके सामने होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका भारत 1 जनवरी से मेंबर बना है 2 साल के लिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसका भारत की सुरक्षा के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आने आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये आज हमारा मेन टॉपिक होगा। इस मेन टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम 4 और विषयों के ऊपर बात करेंगे जो आपके सामने नजर आ रहा होगा। एक तो है चाइनीज सोल्जर को एक हमने कल पकड़ा है जो हमारी एरिया में आने की कोशिश कर रहा था और वो अभी भारतीय सेना के कस्टडी में है। तो ये चाइनीज सोल्जर पकड़े जाने की ये दूसरी घटना है। तो ये क्यों हुआ है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये तो अभी बता रहे हैं कि ये जो चाइनीज सोल्जर जो आया था शायद रास्ता भूल गया था या गलती से आया था। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हम उस इलाके की बात कर रहे हैं पैंगोंग सो लेक, जिसके बारे में मैंने इसके पहले भी बातचीत की हुई है। ये 130 किलोमीटर लंबा लेक है और 2 से 3 किलोमीटर इसकी ब्रेड्थ है। तो यहाँ पे जो पैंगोंग सो लेक का जो साउथ का किनारा है, पैंगोंग सो लेक साउथ, यहाँ पे जो चुशुल का भाग है उसकी जो ऊपर की हाइट्स है वहां पर ये सोल्जर पकड़ा गया है। वहां पे हाइट तकरीबन 16,000 से 18,000 फीट है। वहां पे गलती से इस प्रकार से आना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है क्योंकि वहां पे अभी हेवी स्नोफॉल हुआ है। हेवी स्नोफॉल के अंदर कोई भी इस प्रकार से रास्ता भूल नहीं सकता है। तो क्या चाइना ने ये एस्पियोनेज यानी कि इंटेलिजेंस ढूंढने के लिए किया है? क्या चाइना ने हमारे सोल्जर्स कितने अलर्ट है ये देखने के लिए किया है? अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं इसके बारे में उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है समझना कि इंडियन सोल्जर्स कितने अटेंटिव है और रात को भी कोई अगर अंदर आने की कोशिश करता है चुपचाप से, वो भी उसे भी वो कैसे पकड़ते हैं, ये आपके सामने आता है। और इससे ये बिल्कुल साफ है कि कोई भी हमारी सीमा के अंदर घुसखोरी करना जहां पर इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है ये बिल्कुल ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको शायद पता होगा कि 2-3 महीने पहले इस प्रकार से और एक सोल्जर पकड़ा गया था। इतना ही नहीं तो मैंने जब फेसबुक लाइव कार्यक्रम किए, मेरे ख्याल से हमने अगस्त या सितंबर के महीने में जो किया था वहां का आप फेसबुक लाइव देखिए, वहां पे मैंने बताया था कि जब इंडियन आर्मी ने पैंगोंग सो लेक के नीचे ऑपरेशन किया और जो ऊपर वाली हाइट से उसके ऊपर कब्जा किया ताकि हम चाइनीज के ऊपर डोमिनेट कर सके, उस समय भी हमने चाइना के 15 से 20 सोल्जर्स पकड़े थे। लेकिन इसे मीडिया में ज्यादा आने दिया नहीं गया और हमने उनको कुछ देर के बाद वापस किया। तो शायद ये भी जो सोल्जर है इसी प्रकार से वापस किया जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मर्चेंट नेवी यानी कि जो व्यापार की जो नेवी है उसमें हमारे तकरीबन 20 या 25 जो नाविक है, इंडियंस है जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, वो चाइनीज के कस्टडी में है। एक्चुअली वो हमारे शिप्स के ऊपर नहीं थे। वो वहां पे कैसे पहुंचे, तो उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की एक शिप जो चाइना को कोल वगैरह पहुंचाती है उस शिप के ऊपर ये काम करते थे। तो इस समय जब चाइना और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन खराब हो गया तो चाइना ने पिछले 5-6 महीने से ऑस्ट्रेलियन जो शिप्स है उसे वहां पे पकड़ के रखा हुआ है। तो हमने अभी चाइना को बताना चाहिए कि अगर आपको जो सोल्जर हमारे कस्टडी में है वो वापस चाहिए तो हमारे जो सेलर्स है, हमारे जो नाविक है, जो भारतीय है, जो फॉरेन शिप के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आपके कस्टडी में
पिछले 6 महीने से है, इससे पहले वापस करो। क्योंकि एक मर्चेंट नेवी के अंदर एक महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो यह है कि काफी सारी फॉरेन शिप्स होती है, फॉरेन ओन्ड होती है, फॉरेन फ्लैग के नीचे वो प्रवास करती है, लेकिन उसके ऊपर काम करने वाले भारतीय है। आज तकरीबन जो इंटरनेशनल शिपिंग चलती है, ये माना जाता है कि उनके ऑफिसर्स और सेलर्स या नाविक, इनकी संख्या दुनिया में 14%, 14% ये इंडियंस है। तो ये जो इंडियन इंडियन शिप के ऊपर नहीं है बल्कि किसी और शिप के ऊपर भी है, तो उनकी भी रक्षा करना ये हमारे देश का एक कर्तव्य है। तो इसीलिए चाइना को बोलना चाहिए चुपचाप से, हमारे नाविक आप पहले हमारे हाथ में वापस करो, उसके बाद ही आपका ये सोल्जर है ये वापस आ जाएगा। दूसरी बात ये कि अभी वहां पे बर्फ पड़ना शुरू हुआ है, पैंगोंग से लेक हो या गलवान का एरिया हो या डेप्सांग का एरिया हो, तो वहां पे जो अभी टेम्परेचर होता है दिन के समय, ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और रात के समय ये -30 -35 विंड चिल फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि वो एरिया बहुत ही ठंडा है। इतने ठंडे मौसम के अंदर हमारे जो सोल्जर्स है वो सीमा की रक्षा कर रहे हैं। एक सेकंड माफ करिए, थोड़ा आवाज आ रहा था बाहर से, इसलिए मुझे एक विंडो बंद करनी पड़ी, रुकावट के लिए माफ है। इसके सिवाय जो हमारे सोल्जर से 7 या 8 दिन ऊपर वाले हाइट्स पे रहते हैं, लेकिन चाइनीज सोल्जर का जो सिकनेस रेट है, बीमार पड़ने का रेट है, वो काफी बड़ा हुआ है, और हम देख सकते हैं हमारे सोल्जर्स कि उनको कैसे क्विकली वहां से इवैक्यूएट किया जाता है हॉस्पिटल्स के लिए। नेक्स्ट मुद्दा है कि विनिंग द बायोलॉजिकल वॉर। चाइना ने दुनिया के खिलाफ और हमारे खिलाफ एक जैविक महायुद्ध यानी कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड वॉर शुरू किया है, जिसे कुछ लोग COVID-19 बोलते हैं, कुछ बोलते हैं करोना, लेकिन उसका एक्चुअल नाम है चाइनीज वायरस। तो ये चाइनीज वायरस की मदद से उन्होंने दुनिया के खिलाफ एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जो बायोलॉजिकल इन नेचर है ये शुरू किया है, लेकिन अभी वो जीतने की उम्मीद आ रही है, क्योंकि 16 तारीख से हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव जो चाइनीज वायरस के खिलाफ है, जिससे चाइनीज वायरस के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन मिलता है, ये शुरू होने वाला है, और उसके बारे में मीडिया ने अच्छी तरह से कवरेज दिया है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये हमारा एक शील्ड होगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा इस चाइनीज वायरस से। और जिस स्पीड से हमारे देश ने काम किया है, हमारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, हमारे ये जो कर्मचारी जिन्होंने ये संशोधन किया है, उनको हमने एक बधाई देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक 1 लाख से ज्यादा भारतीय इस चाइनीज वायरस से मारे गए हैं। तो अभी इसके ऊपर जीतने का समय आया है, और इतना ही नहीं तो पूरी दुनिया को जो वैक्सीनेशन होने वाला है उसमें से 60% जो वैक्सीनेशन है वो हमारे देश से दुनिया के पास जाने वाला है। शायद आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि नेपाल ने चाइना को बोला है कि चाइनीज वैक्सीनेशन उन्हें नहीं चाहिए बल्कि उन्हें इंडियन वैक्सीनेशन चाहिए। ब्राजील ने भी हमारे से वैक्सीनेशन के डोसेज मांगे हुए हैं। तो ये हमारे देश के लिए एक अभिमान की बात है कि हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने इतने कम समय में दुनिया में सबसे पहले इस प्रकार की वैक्सीनेशन शुरू की है, जो इस बायोलॉजिकल वॉर को जीतने के लिए पूरी दुनिया को मदद कर रहा है। नेक्स्ट मुद्दा है कि कल रात को यानी कि सैटरडे नाइट को पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर है, कराची है, रावलपिंडी है, पेशावर है, वहां पे पावर फेल्योर हो गया। कारण टेक्निकल इन नेचर था, उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पूरा पाकिस्तान के बड़े शहर जो है वो डार्क हो गए, लाइट पूरी बंद हो गई, और उसके बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर हाहाकार मच गया। कुछ लोगों ने बोला कि शायद इमरान खान जो है उसे
इंडियन उसे पाकिस्तानी आर्मी ने कैद में डाला है और आर्मी ने देश की सत्ता टेक ओवर की है जैसे वो पहले करते थे। दूसरों ने लिखा है कि शायद इसका कारण है कि हमारा देश जो है इसके ऊपर इंडिया ने या हिंदुस्तान ने हमला किया हुआ है। तो इस प्रकार की रूमर्स वहां पे पाकिस्तान में घूम रही थी और सभी पाकिस्तानी डर गए थे कि अभी क्या होने वाला है। तो ये हमारे लिए एक लेसन है। नंबर एक लेसन यह है कि पाकिस्तान हमारे से कितना डरता है। लेकिन नंबर दो रीजन ये भी है कि सोशल मीडिया के ऊपर डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन बोलिए या गलत खबरों को आगे बढ़ाना बोलिए, ये कितना फास्ट होता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार की रूमर्स ना फ्लोट हो जिससे देश में एकदम इमरजेंसी जैसे सिचुएशन निर्माण हो, इसके ऊपर सोच विचार करके इसे कैसे रोका जाए इस पे सोचने का समय ये आ गया है। साथ साथ मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि एक पाकिस्तान के बहुत रिस्पेक्टेड उनके फॉरेन सर्विस के ऑफिसर है, आगा हिलाई उनका नाम है। कल उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसके अंदर 300 से ज्यादा पाकिस्तानी दहशतवादी ये मारे गए। यानी कि जो हम बोल रहे हैं कि ये स्ट्राइक सक्सेसफुल था, लेकिन हमारे देश में कुछ शंकासूर है, वो बोलते थे नहीं नहीं शायद पाकिस्तान तो कुछ फिगर दे ही नहीं रहा है, तो आप किसे किस प्रकार से बोल सकते हैं। तो ये देख सकता है, इनको अभी समझ में आ जाएगा कि ये जो फिगर्स अभी पाकिस्तान के जो खुद इम्पोर्टेंट लोग हैं वो ही उसे कंफर्म कर रहे हैं। अभी मैं मेरी मेन विषय के ऊपर आ जाता हूँ, वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को 2 साल के लिए मेंबरशिप मिलना। 1 जनवरी से ये 2 साल शुरू हो गए हैं और अर्थात ये 2022 तक चलेंगे। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में हुई। उसकी अलग अलग बॉडीज है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस का WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो अलग अलग उनकी ब्रांचेस है, अलग अलग उनकी जो संस्थाएं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, या हिंदी में हम बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी बॉडी है और यूनाइटेड नेशंस के ऊपर जो इम्पोर्टेंट फैसले लेने होते हैं जिसका संबंध दुनिया की सुरक्षा के साथ होता है वो फैसले ये लेता है। और इसके 15 मेंबर्स हैं, 15 नेशंस उसके मेंबर्स हैं, और जिसमें से 5 मेंबर्स ये परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर्स ये नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट मेंबर्स है अर्थात यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, उसके बाद रशिया, अमेरिका और चाइना, ये परमानेंट है और उनके पास वेटो की पावर है। वेटो की पावर मतलब अगर कोई भी रिजोल्यूशन अगर यूनाइटेड नेशंस पास करता है और इस 5 जो परमानेंट मेंबर्स है इसमें से कोई उसे खारिज कर सकता है यानी कि उसे रद्द कर सकता है जिसके पास वेटो की पावर है। और चाइना एक परमानेंट मेंबर बना हुआ है, इसे अंदर आने में मदद किसने की? 50s के अंदर चाइना इसका परमानेंट मेंबर नहीं था, लेकिन हमारे देश के रूलर्स ने उनको अंदर आने में मदद की। अगर हमने चाइना को यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनाने में मदद की जिससे उनके पास वेटो की पावर आ गई, और ये वेटो का इस्तेमाल उन्होंने भारत के खिलाफ इतनी बार किया है कि उसका हमने कोई इसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो क्या उस समय हम चाइना को नहीं बोल सकते थे कि अगर आप परमानेंट मेंबर बन रहे हैं, अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमारे जो मेंबरशिप है उसे सपोर्ट करो, यानी कि आप ही परमानेंट मेंबर बनो और हमें भी बनाओ। लेकिन शायद ये दूरदृष्टि, इस प्रकार की सोच हमारे नेतृत्व में नहीं थी, जिसका जो बुरा परिणाम है वो हम देख रहे हैं। अभी चाइना परमानेंट मेंबर होने से हमें क्या नुकसान होता है? हमेशा 2-3 महीने के बाद वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर कश्मीर का मुद्दा उठाता है, कभी वो हमारे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में बोलता है,
कभी वो हमारे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में बोलता है, हमने 100 बार बोला है हमारे देश में क्या करे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी देश की सरकार है, और किसी को हमारे देश के अंदर क्या घट रहा है इसके ऊपर बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। चाइना पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से मदद करता है, पाकिस्तान के जो दहशतवादी है हाफिज सईद हो, उसके बाद मौलाना मसूद अजहर हो, कि इन्हें हम इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहते थे, लेकिन वेटो का पावर इस्तेमाल करते हुए ये चाइना ने नहीं होने दिया। इसके सिवाय यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो नजर रखती है कि जो कंट्रीज दहशतवादियों को पैसों की मदद करती है या इकोनॉमिक मदद करती है उनके ऊपर ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी ध्यान रखती है। तो ये पाकिस्तान को एक ब्लैक नेशन के तौर पे डिक्लेयर करना चाहते थे, लेकिन चाइना ने फिर बीच में टांग डाल के उन्हें सिर्फ ग्रे लिस्ट में जाने दिया है, आगे नहीं जाने दिया है। यानी कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान को मदद करने के लिए चाइना ने उनके पास जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो वेटो पावर है इसका कितना गैर इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया, मैंने उसमें से कुछ एग्जाम्पल दिए है। और अब मैं आगे और बोलना चाहूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में चाइना हमें आने नहीं देता। इसके सिवाय जब WHO इंक्वायरी करना चाहती थी कि ये चाइनीज वायरस कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ये इंक्वायरी चाइना नहीं होने देता। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि जो 10 टेम्परेरी मेंबर्स है, जिसे नॉन परमानेंट मेंबर्स बोला जाता है, इसमें से एक जगह के ऊपर भारत का चुनाव हुआ है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये जो चुनाव होता है बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का, ये डेमोक्रेटिकली होता है, यानी कि वोटिंग से होता है। और भारत को ऑलमोस्ट, अगर मुझे ये एग्जैक्ट फिगर्स याद होगी, तो ऑलमोस्ट 95% कंट्रीज ने भारत को ये नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जाए इसके बारे में भारत के पक्ष में वोटिंग की हुई है। यानी कि चाइनीज वायरस शुरू होने के बाद जो हमारे देश की जो स्टेटस है दुनिया के आंख में ये काफी ऊपर गई है, और बिल्कुल बहुत कम देश थे कि जिन्होंने हमारे खिलाफ इतने सारे वोट्स किसी और देश को नहीं मिले हैं। और रिजल्ट यह है कि हम अभी 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर ये बने हुए हैं। इसके पहले हमने 7 बार 1950 से हम नॉन परमानेंट मेंबर बने हुए हैं, लेकिन हमारी देश ने यूनाइटेड नेशंस को जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व नहीं दिया। लेकिन हमारा नंबर एक दुश्मन चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में सिस्टमैटिकली अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाके वहां पे घुसखोरी की है। वहां पे वो एक बड़ी पावर बने हैं जिससे उनका काफी प्रभाव है ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये कभी भारत में कुछ ऐसी चीज हो जाए तो उसके बारे में बातचीत करना शुरू करती है कि आपने NRC नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब 20 लाख उइगर मुस्लिम ये चाइना के जेल में है इसके बारे में बातचीत करने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आज जो यूनाइटेड नेशंस का जो फाइनेंशियल बजट है इसमें चाइना की कंट्रीब्यूशन काफी है, और अपने पैसों की ताकत से चाइना ने ऑलमोस्ट ये जो सभी इंस्टीट्यूशंस है उसे टेक ओवर ही किया हुआ है। तो अभी ये जब हमारे पास ये टेम्पररी मेंबरशिप आती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हुए चाइना का ये जो प्रभाव जो यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग संस्था में बढ़ रहा है उसे कम करने की कोशिश हम इसकी मदद से कर सकते हैं और बाकी देशों के मदद से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए WHO को ये चाइना वाले अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं कि चाइनीज वायरस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उसे हमने अंदर आना आने आने के लिए दूसरे देशों की मदद करनी चाहिए, और सभी देशों को बोलना चाहिए इकट्ठे हो जाए और चाइनीज वायरस किस प्रकार से शुरू हुआ, किस प्रकार से आगे बना, ये इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। और मोर इम्पोर्टेंट, ये ऐसे माना जाता है कि चाइनीज वायरस के कारण
पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 16 ट्रिलियन डॉलर्स इतना नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान की भी भरपाई चाइना से हमने करनी चाहिए। मैंने इस प्रकार के लाइव प्रोग्राम में पहले भी 2-3 बार बोला है कि हमारी जो अलग-अलग इलेक्टेड बॉडीज है, यानी कि पार्लियामेंट है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है हर एक राज्य की, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है, इन सभी ने एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए कि जो नुकसान चाइना के वायरस से हमारा हुआ है, इसकी भरपाई करना ये चाइना का काम होगा। इसीलिए हमने इस बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो बॉडी है, देश में जो जहां जहां युद्ध होते हैं, जहां जहां हिंसाचार होता है, तो वहां पे शांतता प्रस्थापित करने के लिए ये जो सुरक्षा परिषद है या सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके ऊपर नजर रखती है। फॉर एग्जाम्पल, आज अनेक जगह पे लड़ाई हो रही है, और वहां पे यूनाइटेड नेशंस ने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स तैनात किया हुआ है। आज तकरीबन 8.5 से 9 हजार भारतीय सैनिक ये एशिया, यूरोप या अफ्रीका के अलग अलग जगह के ऊपर पीस कीपिंग कर रहे हैं, ताकि उस ये जो वो एरिया है सेफ हो वहां के लोगों के लिए। और यूनाइटेड नेशंस में हमारी आर्मी की जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज है, उसके बारे में बहुत ही रिस्पेक्ट है। और हम आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग फोर्स के लिए। यूएन पीस कीपिंग फोर्स की बात हो जाए, यानी कि हमारी एक इन्फेंट्री बटालियन वहां जाती है, जैसे मेरी ही बटालियन है 7 मराठा टोंगो में जाएगी, और वहां पे जो सिविल वॉर चल रहा है वहां पे उनकी उनके जो सामान्य लोग हैं उनकी रक्षा करेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार के पीस कीपिंग ऑपरेशन में चाइना ने भी आने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जब उनके ऊपर कोई रिबेल्स ने हमला किया तो चाइनीज सोल्जर्स वहां से भाग गए। तो इसके बारे में मैंने इसके पहले भी बातचीत की थी। अगस्त के महीने के अंदर 1 महीने के लिए हमारा भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो ये जो काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट बनेंगे। प्रेसिडेंट बनने के बाद उस महीने के अंदर कौन कौन से एजेंडा होंगे, कौन कौन इसके ऊपर किस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे, इसे करने का जो अधिकार है वो हमारे पास आता है। तो हम कुछ मुद्दों के ऊपर खास लक्ष्य देना चाहते हैं, जैसे कि एक तो है टेररिज्म जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसे रोकने के लिए उपाय। इसके बाद जो समुन्दर होता है वो पूरी दुनिया का होता है, लेकिन चाइना दादागिरी कर रहा है साउथ चाइना समुद्र के अंदर, तो उसके ऊपर चर्चा होना। इसके सिवाय ग्लोबल वार्मिंग, बर्फ मेल्ट हो रही है नॉर्थ पोल या साउथ पोल से, जिससे पानी का स्तर बढ़ रहा है, और हमारी जो कोस्टल एरियाज है उसमें से कुछ खास तो जो सुंदरबन का एरिया है जो पश्चिम बंगाल में है गंगा का, उस पानी के नीचे चला जाएगा, और ऐसे हो जाता है तो तकरीबन 2 से 3 करोड़ जो बांग्लादेशी है वो भारत में आ सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन करके। तो ये विषय है, ये विषय के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं और यूनाइटेड नेशंस को हमारे साथ लेकर चल सकते हैं। और जो 5 परमानेंट पावर्स है उसमें से 4, यानी कि अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, वो हमारे साथ है, केवल चाइना ही हमारे खिलाफ है। तो हमने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए जो एजेंडा हमने डिस्कशन के लिए यूनाइटेड नेशंस के सामने लाना है वो अभी हमने लाना चाहिए। मानवाधिकार एक बहुत ही महत्व का विषय है। तो जो तिब्बतन के जो मानवाधिकार के ऊपर हनन हो रहा है, इसके ऊपर हमने चर्चा करवानी चाहिए। और ये हमें एक अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी ये देता है कि अगर चाइना कश्मीर का मुद्दा फिर उठाता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो हमने क्विकली मुद्दा उठाना चाहिए हांगकांग का, हमने क्विकली मुद्दा उठाना चाहिए कि ताइवान के ऊपर चाइना आक्रमण करना चाहता है, हमने क्विकली मुद्दा उठाना चाहिए तिब्बत का। यानी कि ये जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज है, अगर चाइना हमें पाकिस्तान को मदद करने के लिए अलग अलग विषयों के ऊपर तंग करने की कोशिश करता है, तो हम भी चाइना को उनके जो वीक पॉइंट्स है इसके ऊपर चर्चा करके उन्हें
उन्हें टिट फॉर टैट ये रिप्लाई दे सकते हैं। और जरूरत यह है कि हमारा अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि हमें यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, और इतना ही नहीं तो हमें वेटो पावर मिल जाए, क्योंकि अगर वेटो पावर मिलेगी तो ही जो हमारे देश के जो राष्ट्रहित है उसका हम रक्षण कर सकते हैं। अभी हुआ यह है कि हमारे देश में भी कुछ हो जाता है और इंटरनेशनल ओपिनियन अगर हमारे खिलाफ जाता है तो हमारे देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो इंटरनेशनल ओपिनियन के ऊपर को अगर कंट्रोल करना है तो हमने यूनाइटेड नेशंस के जो अलग अलग संस्थाएं है उसमें प्रवेश करके हमारा जो वहां पे प्रभाव है, हमारा वहां पे जो इन्फ्लुएंस है ये बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी यूनाइटेड नेशंस के अंदर बदनामी ना हो, जो करने की कोशिश पाकिस्तान और चाइना करता है। बदली हम टिट फॉर टैट रिप्लाई देके पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि बलूचिस्तान में कितने ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, सिंध में कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। इतना ही नहीं तो कुछ दिन पहले चाइना जो पाकिस्तान की माइनॉरिटी है, हजारा नाम की कम्युनिटी, उनके 7 मेंबर्स कोल माइंस के अंदर मारे गए हैं, और इस्लामिक स्टेट ने ये जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर ली हुई है। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रमाण में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। तो ये सभी मुद्दे जो है ये हमने कंटिन्यूअसली यूनाइटेड नेशंस में सामने लाने चाहिए। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करना, इसका भारत लीडरशिप है। तो हम इसमें केवल हमारी देश की ही हितों की रक्षा करना इतना ही काम नहीं करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को जो छोटे छोटे देश है जिनकी आवाज सामने नहीं आती है, इनका इनका इनके प्रॉब्लम्स यूनाइटेड नेशंस में लाके उसे सॉल्यूशन ढूंढने में मदद कर सकती है। तो ये करने से हमारा क्या फायदा? हमारा फायदा यह है कि कोई भी रिजोल्यूशन जब यूनाइटेड नेशंस में पास होता है तो हर एक देश को वोटिंग का ताकत होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फिजी आइलैंड है कि जिसे जो एक देश माना जाता है उसे एक वोट है, यानी कि उसकी वोट की ताकत एक है, तो अमेरिका की भी वोट की ताकत एक ही है, चाइना की भी वोट की ताकत एक है। ये बात अलग है कि आज इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ के आसपास है, जब फिजी की पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है। यानी कि फिजी ये देश बहुत छोटा है, भूटान देश बहुत छोटा है, बहुत सारे इंडो पैसिफिक में आइलैंड स्टेट्स है। ये किसी के लोकसंख्या 10 लाख, किसी के 5 लाख, जैसे मालदीव के लोकसंख्या 10 लाख के आसपास है। देश छोटे हैं लेकिन उनकी वोटिंग के लिए जो कीमत है वो एक है। यानी कि देश बड़ा हो या छोटा हो उसका वोट ये एक ही होता है। तो इसलिए ये सभी देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और कोई भी रिजोल्यूशन हमने चाइना के खिलाफ पास करना है, हमारे बाजू में वोटिंग लेना है, तो इन सब देशों की मदद मिल सकती है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अभी हम टेम्पररी मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर जो बने हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है जिसका इस्तेमाल हमने हमारी नेशनल सिक्योरिटी को और अच्छा करने में करना करना चाहिए। हमारा जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ाना चाहिए अलग अलग संस्था के अंदर, ताकि हम खुद की रक्षा तो करेंगे ही, इसके सिवाय जो इतर देश है उनको भी आगे प्रॉस्पर होने में मदद करेंगे, जिसे वो हमारे लिए वोट करेंगे, और हमारा देश आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ही परमानेंट मेंबर बन जाएगा, और उसके बाद हम एक बहुत ही पावरफुल नेशन के तौर पे सामने आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक करिए। मैं देखता हूँ कि कुछ सवाल आए हैं क्या, बहुत सारे रिमार्क्स यहाँ नजर आ रहे हैं। प्रमोद गणेशन जय हिंद बोल रहे हैं, साक्षी अग्रवाल जी जय हिंद बोल रही है, सुनील मेहता जी जय हिंद सेना की बात कर रहे हैं, राम जगताप जी जय श्री राम बोल रहे हैं, सुरेंद्र सिंह जी जय हिंद बोल रहे हैं, राज जगताप जी वंदे मातरम बोल रहे हैं। काफी सारे रिमार्क्स हैं, मैंने जो कुछ नाम मेरे सामने आए थे उनको बोला है। मैं सब आपको सबको जिन्होंने एक्नॉलेज किया उन सबको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे वीडियो को जरूर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आज हम सब एक साइबर सोल्जर है और अच्छी खबर हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास देनी चाहिए।
मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूँ कि वैक्सीनेशन में 60% दुनिया की वैक्सीनेशन हम करने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन, ये न्यूज हमारे टीवी चैनल्स, हमारे सोशल मीडिया पे सामने क्यों नहीं आती है? कितने देश है कि जो 60% इतना बड़ा वैक्सीनेशन पूरी दुनिया को दे रहे हैं, जिससे ये जो चाइना का जो बायोलॉजिकल वॉर है, जैविक युद्ध है, जो जीतने में पूरी दुनिया को मदद होगी। हमारी मीडिया फॉर रीजंस वेल नोन टू देम डू नॉट गिव पॉजिटिव न्यूज, तो इसलिए हमारा काम है कि हम इस प्रकार की पॉजिटिव न्यूज पूरी हमारे मित्रों के साथ, हमारे रिलेशंस के साथ शेयर करें, ताकि हम सब सोल्जर बन के इंफॉर्मेशन वॉर भी जीतने के लिए देश को मदद कर सकते हैं। यहीं पे मैं रुकता हूँ। और एक बार फिर बोलता हूँ कि लाइक करिए या इसको पेज को फॉलो करिए, और ताकि जब भी नेक्स्ट एपिसोड होगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं रुकता हूँ अभी। जय हिंद।